मेरा किरदार जो है इसके अंदर बहुत ही बहुत अलग है। मैंने इस तरह का किरदार कभी किया नहीं है कि मैं एक्चुअली इस तरह का डार्क शेड का या ग्रे शेड का टोटली नेगेटिव रोल करूं, लेकिन इसके अंदर मैं जो है एक ऐसा किरदार निभा रहा हूं जो मैंने आज तक कभी किया नहीं है और ना मेरी पर्सनालिटी को कभी वो सूट किया है। पता नहीं ऑडियंसेस मेरे फैंस जो हैं वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन मैं एक कलाकार हूँ, एक एक्टर हूँ, और मेरे को लगता है कि जो नागेश ने मुझे रोल दिया कि मैं रेपिस्ट का रोल करूँ इसके अंदर, वो पहले तो मेरे को अब समझ भी नहीं आया कि क्या, लेकिन जब नागेश ने मुझे बोला कि नहीं मेरे को एक ऐसा फेस, एक ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए जिसका शुरू में पता ही ना चले कि ये ऐसी हरकत कर सकता है असल में, तो मीन्स जब मेरे को ऐसा लगा कि नहीं ये एक ऐसा किरदार है जो कि नागेश ने मेरे लिए सोचा है और जो मैं नागेश के साथ हमेशा काम करना चाहता था, तो मैं ना सिर्फ उसके लिए रोल के लिए हाँ किया, लेकिन क्योंकि मैं इस स्टोरी से बड़ा प्रभावित हुआ था और इस स्टोरी में मैंने ऐसे अंश देखे थे जो मुझे लगा कि समाज तक पहुँचने बहुत ज़रूरी हैं, ये कथा ये कहानी जो है समाज को सुनानी बहुत ज़रूरी है, तो मैं एक्चुअली इसमें प्रोड्यूसर के तौर पर भी आया और मैं जयंती भाई गाडा जो कि बड़े दिग्गज प्रोड्यूसर हैं उनको साथ लेके आया, प्रमोद शर्मा जो मेरे दोस्त हैं यूवी न्यूज़ मीडिया को मैं साथ में लेके आया और नागेश के साथ लाके खड़ा किया ताकि हम चार लोग कम से कम इस चीज़ को बिलीव कर पाएँ कि इस तरह की फिल्में बनना जो है वो कितना ज़रूरी है और ऐसे जो करंट टॉपिक्स हैं, और ये टॉपिक तो खैर ऐसा है जिसने पूरे देश को हिला के रखा हुआ है, तो ऐसी बात तक पहुँचाना वो कितना ऐसी बात को पहुंचाना कितना इम्पॉर्टेंट हो गया था। ये लक्ष्मी कहानी कोई बदले की भावना की नहीं है कि किसी ने कोई बदला ले लिया, वो तो एक बहुत ही सतही बात होती है, लेकिन ये है कि इस कहानी के अंदर जिसके साथ ये पीड़ा हुई है हम उसके अंदर साहस क्रिएट करें, हम उसके अंदर होप क्रिएट करें और उसके अंदर एक ऐसी बात उजागर करें कि उसको एक बहुत पावरफुल जो है वो टूल बनाएं, असल में एक पावरफुल समाज का हिस्सा बनाएं, ये बहुत ज़रूरी है। किसी को थप्पड़ अगर आपने खाया है तो थप्पड़ मार देना वो बहुत सतही बात होती है, किसी ने आपको कुछ तकलीफ दी उसकी तकलीफ को तकलीफ से वापस करना बड़ी वैसी बात होती है, रेपिस्ट का क्या हाल होना चाहिए ये तो जो उसके साथ होना चाहिए वो तो होना ही चाहिए, लेकिन आपके साथ क्या होना चाहिए इसके बाद वो बहुत ज़रूरी है। और वो लक्ष्मी के अंदर वो जो साहस आया है कि वो समाज में उठ के खड़ी हुई है और उन लोगों की आवाज़ और जो उसके उनके खिलाफ उठाई है वो इस फिल्म का खास हिस्सा है और बहुत अलग बात है जो कि इसमें दर्शकों को बहुत अच्छी लगेगी कि कैसे एक 14 साल की लड़की जो है वो साहस जुटा पाती है अपने उन लोगों को सही मार्ग पे लाने के लिए, उनको सही सबक सिखाने के लिए। सर लेकिन नहीं उनको शौक लगेगा शायद पहली बार देख करके तो वैसे हंस पड़े, लेकिन उनको पता चलेगा, मेरे को नहीं लगता कि उसकी पहली प्रेजेंस पे आपको हंसी आएगी क्योंकि किरदार का जो पूरा जो लुक है वो एब्सोल्युटली डिफरेंट है और कई लोग तो ट्रेलर में पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये सतीश कौशिक ही है जो एक्चुअली जो दिखाई दे रहा है, तो शॉक देने वाली बात है, तो अच्छी बात है एक्टर के लिए, अच्छी बात है कि उसको अलग तरह का काम करने का मौका मिले। नहीं वो बात फर्स्ट टाइम की नहीं है, फर्स्ट टाइम की बात नहीं है कोई, ये एक देखिए जो भी कोई एक्ट होता है उसके अंदर आपको एक किसी को तो किरदार वो प्ले करना पड़ता है कि जिसने तकलीफ़ें दी हैं, मतलब ठीक है ना, तो वो तकलीफ़ें ऐसा किरदार करने पे भी एक्चुअली आप एक्चुअली उस मूवमेंट का साथ दे रहे हैं ताकि आप उसको जितना गलत दर्शाएंगे और जितना उसको सज़ा मिलेगी और जितना गलत क्रूर दिखाएंगे उतना ही बेटर आपका एक्चुअली हीरोइज़म भी और हीरो भी निकल के आएगा। तो मेरे को लगता है कि मेरे लिए एक चैलेंज था, जैसे कि नागेश ने कहा उसके लिए भी चैलेंज था, मेरे लिए भी चैलेंज था टू डू रियली ए वेरी बैड रोल, डार्क लोर एंड ए ग्रे शेड कैरेक्टर।